केस स्टडी तारा। मैं बहुत हॉट टेम्पर्ड हूँ, एकदम से गुस्सा आ जाता है मुझे। रिलेशनशिप इश्यूज हैं। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू कम आउट ऑफ अ ब्रेकअप विद तनिष्क। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, मुझे पता करना। अब ट्रस्ट करना किसी पर भी मुश्किल हो गया है मेरा। हेल्थ इश्यूज में थायराइड भी हैं मुझे। मैं ये गुस्सा कहाँ से लाई हूँ? मैं ये सब चीज़ें समझना चाहती हूँ अपनी पास्ट लाइफ से। कनेक्शन इसका मेरी करंट लाइफ में क्या है वो जानना चाहती हूँ। तारा एक यंग एंड कॉन्फिडेंट गर्ल थी। सेशन को लेकर शी वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तारा का सेशन ऑनलाइन हुआ। द सेशन। मेरे वेवी बाल हैं, वाइट फ्रॉक पहनी हुई है, ओल्ड डिजाइंड, एक घर है छोटा सा, स्कॉटलैंड है ये। एंड मेरा नाम मरीशा है। 1879 समथिंग फ्लैश हो रहा है। दैट्स वेरी गुड। इस लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट को अब तुम विटनेस करोगी। ऐसा इवेंट जिसने तुम्हें इम्पैक्ट किया है और इन्फ्लुएंस किया है तुम्हारी करंट लाइफ में भी। मैं देख रही हूँ मम्मी पापा के बीच में झगड़ा हो रहा है। हम गरीब फैमिली से हैं, पापा मछुआरे हैं और मम्मी पर गुस्सा कर रहे हैं। किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं तारा? पता नहीं, पर वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। ही लेफ्ट अस परमानेंटली। उन्होंने हमें छोड़ दिया। मेरी मम्मी मेरी बड़ी बहन है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। ओके, ठीक है, एक्सेप्ट द फीलिंग तारा, लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ो और देखो फिर क्या होता है। माँ बहुत बीमार है, मैं उनका ख्याल रखती आई हूँ। वो मरने वाली है। मैं मम्मी को बचाने के लिए डेस्परेट हूँ, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाई। उनको कफिंग की भी कोई बीमारी थी। उनको बरी किया गया। मैं अकेला फील कर रही हूँ। सारी उम्र उनका ख्याल रखा मैंने। मेरे साथ कोई नहीं है। मैं खुद ही 48 ईयर्स के आसपास की हूँ। फादर ने दूसरी शादी कर ली थी। उनका एक बेटा भी है। वो भी मुझे कभी मिलने नहीं आए। When we moved ahead in time, Tara said, मैं अपने आप को मरते हुए देख रही हूँ। दर्द है दिल में अकेलेपन का। मैं भी एक फैमिली चाहती थी। मेरी किस्मत में वो सुख नहीं था। ऐसा फील हो रहा है मुझे। जब तारा स्पिरिचुअल प्लेन में पहुंची तो वो बताने लगी। मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। मैं उड़ रही हूँ। पहाड़, समुद्र, सब कुछ मुझे ऊपर से दिख रहा है। और मुझे लेने 3 आर्कएंजल्स आए हैं। आर्कएंजल रफायल, आर्कएंजल यूरियल एंड आर्कएंजल माइकल। उनका प्यार मैं फील कर पा रही हूँ। दैट्स लवली। नाउ प्लीज आस्क देम, तुम्हारा लाइफ पर्पस क्या था? इस लाइफ का क्या सीखना था तुमने? अपनी माँ को सपोर्ट करना, ये लाइफ पर्पस था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना, जो मैंने अच्छे से निभाई। हाउएवर, लेट गो नहीं कर पाई। वो गुस्सा जो फादर के लिए था, मुझे लेट गो करना आना चाहिए। गुस्सा बढ़ता रहा और गुस्सा बढ़ता है अगर उससे आप पकड़ कर रखते हो। ये गुस्सा मैं लेकर आई हूँ अपनी करंट लाइफ में। आफ्टर लर्निंग हर लेसन्स, व्हेन वी फोकस्ड ऑन हर रिलेशनशिप विद तनिष्क, तारा स्टार्टेड शेयरिंग फर्दर डिटेल्स। अ न्यू लाइफ। फ्लावर से भरी फील्ड है। 30 ईयर्स की हूँ मैं। घर पर काम कर रही हूँ और थकी हुई लग रही हूँ। मेरा नाम एलिजाबेथ है और ये जगह है वॉर्सो। मेरी शादी रॉबर्ट से हो रही है। मुझे एक फ्लैश दिख रहा है। रॉबर्ट ही तनिष्क है। ही इज टॉल एंड फेयर। मैं वेडिंग वेन्यू में खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ, पर रॉबर्ट नहीं आया। ओके, कहाँ है रॉबर्ट? तारा, वो मैरिलीन के साथ है। रॉबर्ट ने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था, पर अंदर से कमिटमेंट देने से डर रहा था। रॉबर्ट से तुम पहले कब मिली तारा? एक शॉप में। आई वॉज 21 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। मैं रो रही हूँ। मुझे पता है मेरे साथ धोखा हुआ है। मुझे जलन हो रही है मैरिलीन से। गुस्सा आ रहा है अंदर। वी मूव फर्दर अहेड इन टाइम्स।
मेरी शादी हो गई है एडवर्ड से, अच्छा इंसान है। माई पेरेंट्स ब्रॉट दिस प्रपोजल फॉर मी। जब हम और आगे बढ़े टाइम में तो तारा ने अपने आप को 83 इयर्स ओल्ड देखा। मैं मरने वाली हूँ, एक बेटा एंड एक बेटी है साथ में, मन में शांति है मेरे, एडवर्ड हमेशा मेरे साथ रहा। When we spoke to the highest self of Tara, lesson kya hai is past life ka tumhara? Tara said, gussa andar jo bhara hua hai, wo gaya nahi. Robert ne mujhse kabhi maafi nahi mangi, wo gussa main lekar aayi hoon is life mein bhi. Jo mila uske liye zindagi mein gratitude hona bahut zaruri hai. Jo nahi mila uske liye gussa andar daba kar rakhna theek nahi hai. लेसन वही है, लेट गो करना सीखो, अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए, अपनी हेल्थ, अपना शरीर, एक्सरसाइज इन इनकॉर्पोरेट करनी होगी रूटीन में। विद द ब्यूटीफुल मैसेजेस वी जेंटली क्लोज द सेशन। तारा का गुस्सा दो पास लाइफ से आया है, पहले तो फादर ने छोड़ दिया जिसका अंदर से उसके अंदर हेट्रेड भरी हुई थी, दूसरा जब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको धोखा दिया, वो शादी के मंडप में आया ही नहीं, वो वेट करती रह गई। अब ये गुस्सा हमें समझना है, जो हमारे अंदर आता है डेफिनेटली नेचुरल है, बट हमें उसका ख्याल रखना है। जिस तरह से हम अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं, उसी तरह से कई इमोशंस बहुत हैवी होते हैं, गिल्ट, शेम, एंगर, जलन, ये जो लो वाइब्रेटिंग इमोशंस होते हैं, ये औरों को तो नुकसान कम पहुंचाएंगे, पहुंचा भी दिया तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, हमें जो नुकसान पहुंचाते हैं उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर हमने एज अ सोल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली कि नहीं, ये लाइफ वैसे तो मैंने ठीक जी, बट मेरे अंदर बहुत एंगर था, इससे मैंने लाइफ में बहुत नुकसान पहुंचाया, मैंने मेरे को शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, मैंने गवाया क्योंकि एंगर था मेरे अंदर। कुछ लोग आपको शायद नुकसान नहीं भी दे रहे होंगे, पहुंचा रहे होंगे, बट स्टिल आप उनको डाउट करते हो, आपके अंदर गुस्सा भरा रहता है। सो ये एंगर आपकी नेक्स्ट लाइफ में भी आता है और उसकी इंटेंसिटी और बढ़ सकती है, बिकॉज ये टेस्ट है जो सोल अपने आप पिक करती है, उसको किसी ने दिया नहीं, उसने खुद लिया है। इसीलिए इट्स हाई टाइम आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप खुद उठाना स्टार्ट कर दीजिए। बिलीव करिए, कर्मा इज क्रिएटेड थ्रू थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, आपका ही कुछ क्रिएशन है जो आपके सामने है, इसलिए आपका काम है अपने ऊपर काम करना। इसलिए हम कहते हैं अगर गुस्सा है या किसी ने आपके साथ गलत किया है, रिवेंजफुल फीलिंग है, अपने आप उसको कट करिए, ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप को, उस चीज को लेके आप थोड़ा न्यूट्रल हो जाएं और फिर प्रेयर के थ्रू उस चीज को रिजोल्व करें। एंगर, गुस्सा, जलन, रिवेंज ना बढ़ाएं क्योंकि ये आपको नुकसान देगा और कार्मिकली वो आपको तोड़ता है। एक सोल की कैपेसिटी है, वो कंपैशनेटली बहुत प्यार दे सकती है, उसकी कैपेसिटी है कि वो सिचुएशन के ऊपर रह के चीजों को देख सकती है और उसको ओवरकम कर सकती है। वो एनवायरमेंट जैसा भी हो, जैसे कमल का फूल है, कीचड़ है बट वो खिलता है, इसी तरह वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, यू कैन स्टिल ब्लॉसम, यू कैन स्टिल गिव हैप्पीनेस टू अदर पीपल, यू कैन स्टिल शाइन ब्यूटिफुली। सो इसमें अगर हम इंटरेस्टिंग बात करें एक और, तो जो तारा थी उसको वॉर्सो पोलैंड की कैपिटल है उसके बारे में कुछ नहीं पता था। शी लेटर टोल्ड मी कि मुझे तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था, आई एम रियली सरप्राइज कि ऐसी जगह एग्जिस्ट भी करती है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे तारा ने बताई वो ये थी कि पास्ट लाइफ में जो उनकी मदर थी वो इस लाइफ की सिस्टर है, और अगर हम उनकी पास्ट लाइफ की बात करें तो मदर की डेथ हुई थी, कुछ कफिंग की बीमारी थी, टीबी था या व्हाटएवर उस लाइफ में उनको वो हुई थी, एंड शी डाइड ड्यू टू दैट। और इस लाइफ में जो उनकी सिस्टर है जिसने रोल प्ले करा था मदर का उस लाइफ में, उनको इस लाइफ में भी कफिंग की इश्यूज है, कहीं ना कहीं कोल्ड कफ ये सब रहता ही है। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुली वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, हम सारे एक दूसरे की स्टोरीज रिवील करते हैं, हम एक दूसरे का आईना है। अगर हम अपने दुश्मनों को भी उनसे भी सीखने की कैपेसिटी रखें कि ये मुझे क्या सिखा रहा है, ये मुझे सिखा रहा है कि ऐसा नहीं बनना है, ये मुझे सिखा रहा है कि मुझे अपने गुस्से पे काम करना है, तो हम अपनी लाइफ बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको कुछ अच्छा लगा है, कोई ऐसी चीज है जो मोटिवेटिंग लगी है, डू शेयर कॉमेंट बिलो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, माई ID इज soul_healer_anchum, and I'm also an author of this book, The Land of Zodiacs, which is a beautiful book that has been written from my heart,
मेरे दिल से आई है, मैंने बच्चों के लिए लिखी है, जिसमें बहुत सारी मोटिवेशनल चीजें हैं और जो उनको हेल्प करेंगी टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. यू कैन बाय दैट. आई हैव पोस्टेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट. टेक केयर. नमस्ते. हैव अ नाइस डे.